एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिट रेंट एंड इफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो उसका जो रेंट आता है उसकी क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो इस वीडियो में कॉम्पोजिट रेंट और प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया उसकी क्या टैक्सेबिलिटी होगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमें देखना है कि कॉम्पोजिट रेंट क्या होता है। तो कॉम्पोजिट रेंट ऐसे नाम से ही पता चलता है आपको कि कंबाइंड टाइप में है, मतलब एक साथ कुछ मिल रहा है कॉम्पोजिट। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कोई बिल्डिंग में एक शॉप रेंट पे लिया, उसका रेंट है 10,000। आपने कोई बिल्डिंग में एक शॉप लिया रेंट पे, जिसका रेंट पे आपने शॉप लिया जिसका भाड़ा है, रेंट है 10,000। तो आप 10,000 ओनर को हर महीने रेंट पे करते हो, राइट। अब उसके साथ साथ ये तो आपका नॉर्मल रेंट हुआ, लेकिन अब आप बिल्डिंग में वो जो शॉप है तो उसके और भी खर्चे होंगे। जैसे इफ़ यू आर यूजिंग द सिक्योरिटी सर्विस, वहाँ पे वॉचमैन होगा, उसका कोई सर्विस होगा तो उसके लिए अलग से आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। या और कोई सर्विस आप उस बिल्डिंग से ले रहे हो तो उसके और अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो आप बोलते हो ओनर को कि ठीक है 10,000 तो मैं भाड़ा दूंगा, लेकिन 2-3 हज़ार मैं आपको, है ना, 3,000 रुपया मैं आपको सिक्योरिटी का और जो भी यहाँ पे सर्विस है उसको यूज़ करने का मैं आपको देता हूँ। तो 13,000 यू आर पेइंग टू द ओनर। एक्चुअल में रेंट कितना है 10,000 है, लेकिन 3,000 आप अदर सर्विस का भी दे रहे हो उसको, तो 13,000 आप क्या पे कर रहे हो, 13,000 इज़ अ कॉम्पोजिट रेंट, कंबाइंड रेंट आप पे कर रहे हो ओनर को। तो अब जो टैक्स लगेगा इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो 10,000 पे लगेगा या 13,000 पे लगेगा, ये हम लोग को देखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जब आपको रेंट कंबाइंड होके आता है, मतलब रेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस रेंट ऑफ समथिंग एल्स ऑल्सो या अमाउंट ऑफ सम अदर सर्विस ऑल्सो, तो उस समय हमें किस अमाउंट पे टैक्स मारना है। आया समझ में? एक बार और सुनो, कॉम्पोजिट रेंट में क्या होता है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी भी होता है प्लस रेंट और अमाउंट ऑफ सम अदर एसेट और फ्रॉम सम अदर सर्विस ऑल्सो इंक्लूड होता है, और वो एक कंबाइंड अमाउंट आप ओनर को पे करते हो। तो वो कंबाइंड अमाउंट की टैक्सेबिलिटी क्या होगी वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले कॉम्पोजिट रेंट क्या होता है। कॉम्पोजिट रेंट मीन्स ए कंबाइंड रेंट रिसीव्ड बाय ओनर, ओनर को मिलता है फ्रॉम बिल्डिंग एंड अदर एसेट और सर्विसेज। मतलब बिल्डिंग जो आपने शॉप भाड़े पे लिया है उसका होगा, और कोई एसेट आपने उसके साथ ले लिया भाड़े पे और कोई सर्विस ले लिया तो उसका भी आपको रेंट मिलता है। तो उन दोनों का हम लोग को टैक्सेबिलिटी देखना है। तो सबसे पहले ये अदर एसेट क्या होते हैं और अदर सर्विस क्या होती है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिया है अदर एसेट्स। तो अदर एसेट मतलब फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, एग्जाम्पल के तौर पे। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ, आपको कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना है। क्या करना है? मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको कोई फैक्ट्री भाड़े पे लेनी पड़ेगी। खरीद लोगे अगर आपके पास पैसा है तो, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रेंट पे लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने फैक्ट्री भाड़े पे लिया, अब वो फैक्ट्री के अंदर कुछ मशीन भी होगी ना, अब वो सामने से बोलेगा भाई देखो आप अगर फैक्ट्री भाड़े पे लेते हो तो ये जो फर्नीचर पड़ा, ये जो प्लांट एंड मशीनरी, ये आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये इसके साथ ही आता है। अंडरस्टूड? तो आपको एनी हाउ फैक्ट्री रेंट पे लेते हुए ये एक्स्ट्रा फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी भी भाड़े पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको भाड़े पे देगा नहीं, राइट। तो इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ भाड़े पे लेते हो, बिल्डिंग भाड़े पे लेते हो, फ्लैट भाड़े पे लेते हो, तो उसमें कोई ऐसी मशीन होती है या कोई ऐसा फर्नीचर होता है जो उसके साथ आपको लेना पड़ता है। कभी कभी तो वो कंबाइंड होके आता है कि इसके बगैर आप वो भाड़े पे नहीं ले सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने की मशीन है और बहुत बड़ी मशीन है,
उसको आप मूव नहीं कर सकते, वो ज़मीन के अंदर है ना, फिक्स है। तो आपको वो मशीन भाड़े पे चाहिए तो आपको फैक्ट्री भी भाड़े पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप उस मशीन को मूव नहीं कर सकते। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई मशीन है जिस मशीन की आपको ज़रूरत है कोई चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो मशीन समझो एग्जांपल के तौर पे दिल्ली में सिचुएटेड है। अब वो दिल्ली से आप मुंबई में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ वेरी ह्यूज। तो आपको दिल्ली में ही वो मशीन को भाड़े पे लेना पड़ेगा। अब वो हवा में तो होगी नहीं मशीन, वो कहीं ना कहीं तो सिचुएटेड होगी ना, फिक्स होगी ज़मीन में, मतलब एक फैक्ट्री टाइप में या कहीं पे, मतलब कोई गोडाउन टाइप में। तो आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस है कि मुझे मशीन भाड़े पे लेना है, लेकिन मशीन के साथ साथ आप वो फैक्ट्री को भी भाड़े पे लोगे, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि मेन पर्पस के साथ दूसरी चीज़ भी आ जाती है, उसका भी हम लोग को पैसा देना पड़ता है। तो फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, या लिफ्ट, सिक्योरिटी और अदर सर्विस हो गया, ये सब का भी पैसा आपको रेंट के साथ पे करना पड़ता है। तो कॉम्पोजिट रेंट अगर आपको आया, या तो शॉर्ट नोट में या ऑब्जेक्टिव में अगर आपको यही देखना है, कॉम्पोजिट रेंट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ कंबाइंड रेंट। एक रेंट होता है जिसके अंदर एक्चुअल रेंट ऑफ प्रॉपर्टी रहेगा, प्लस आपने कोई एसेट या कोई सर्विस ली तो उसका भी पैसा उस अमाउंट में एडेड रहेगा। तो अपने को वो देखना है कि किस अमाउंट पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगा और किस अमाउंट पे नहीं होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल है, नीचे देखो टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट रेंट। अब इसको टैक्स कैसे मानना है, मतलब किस अमाउंट पे टैक्स होगा? तो बोथ आर सेपरेबल, सेपरेट है, मतलब बिल्डिंग भाड़े पे लो या फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी भाड़े पे लो, ये दिया है ना दोनों, ये बोथ आर सेपरेबल, मतलब बिल्डिंग भाड़े पे लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा। तो या तो फर्नीचर भाड़े पे, प्लांट एंड मशीनरी भाड़े पे ले लो, या बिल्डिंग भाड़े पे ले लो, दोनों आर सेपरेट है। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि बिल्डिंग लिया तो फर्नीचर भी लेना ही पड़ेगा, बिल्डिंग लिया तो प्लांट एंड मशीनरी भी लेना पड़ेगा, मतलब ये पहला केस है। दूसरे में क्या आएगा, इन सेपरेट होगा, मतलब बिल्डिंग लिया तो प्लांट एंड मशीनरी को लेना ही पड़ेगा, उस सिचुएशन में क्या होगा? फिर से सुनो, कॉम्पोजिट रेंट में पहला बिल्डिंग और अदर, ऐसे याद रखो, बिल्डिंग और अदर एसेट और सर्विस आर सेपरेट। या तो बिल्डिंग भाड़े पे ले लो या अदर एसेट भाड़े पे ले लो, अलग अलग ले सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि दोनों साथ में लेना है, कंपल्शन नहीं है कि दोनों साथ में लेना है। तो अगर दोनों सेपरेट होगा तो टैक्सेबिलिटी क्या होगा? तो सेपरेट है ना, बिल्डिंग सेपरेट है, अदर एसेट सेपरेट है, तो बिल्डिंग से जो रेंट आएगा उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और अदर एसेट से जो रेंट आएगा ओनर को, वो या तो आप बिजनेस में डाल दो, आपका बिजनेस है, या आप अदर सोर्स में डाल दो, क्योंकि सेपरेट है ना, सेपरेट नहीं होता तो प्रॉब्लम आता। तो अगर बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों सेपरेट है तो बिल्डिंग का रेंट आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डालो, और फर्नीचर और प्लांट का रेंट आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालो, सेपरेट है ये, आया समझ में? तो यहाँ पे दिया देखो, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी रेंट आपको प्रॉपर्टी से आएगा, बिल्डिंग से आएगा, उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डालो क्योंकि सेपरेट है, और जो भी आपको रेंट मिलेगा अदर एसेट और अदर सर्विस का जो भी अमाउंट मिलेगा वो या तो अपने बिजनेस प्रोफेशन में डालो या अदर सोर्स में डालो, एज द केस मे बी। अब बोलेंगे सर ये इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दोनों में से किस में डालने का? अगर आपका बिजनेस ही है कि फर्नीचर प्लांट को भाड़े पे देना ही से आप पूरा पैसा कमाते हो तो बिजनेस में डालो, और अगर नहीं है आपका बिजनेस तो अदर सोर्स में डाल सकते हो, आया समझ में? यस और नो? ठीक है, चलो, ये तो दोनों सेपरेट था, तो सेपरेट है तो बिल्डिंग को बिल्डिंग में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और अदर एसेट को अदर में डाल देने का, अदर सोर्स में या बिजनेस एंड प्रोफेशन में। अब क्या होगा कि अगर दोनों इन सेपरेट है, मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को बिल्डिंग ही भाड़े पे चाहिए, प्लांट नहीं चाहिए। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बहुत बड़ा मशीन है तो मशीन के साथ फैक्ट्री भी भाड़े पे आ रहा है, तो मेरा मेन पर्पस क्या है, फैक्ट्री प्लांट भाड़े पे लेने का, लेकिन प्लांट के साथ मेरे को वो जगह भी भाड़े पे लेना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग उसको मूव नहीं कर सकते, वो प्लांट को, मशीन को, एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जगह भी भाड़े पे लेना पड़ेगा। तो बोथ आर इन सेपरेट, सेपरेट नहीं हो रहा है,
तो जो भी कंबाइंड रेंट मिलेगा ना वो हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डालेंगे, हम लोग उसको डालेंगे बिजनेस एंड प्रोफेशन या अदर सोर्स में। तो वो कंबाइंड रेंट आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। तो याद रखना, सेपरेट है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, सेपरेट नहीं है और भी चीज़ों के पैसा मिल रहा है तो उसको या तो अदर सोर्स में डाल दो या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में डाल दो। आया समझ में? तो कॉम्पोजिट रेंट इज नथिंग बट इट इज अ कंबाइंड रेंट, जिसके अंदर रेंट फ्रॉम बिल्डिंग भी आएगा, रेंट फ्रॉम अदर एसेट और अदर सर्विस का अमाउंट भी आएगा। तो याद रखना, जब दोनों अमाउंट सेपरेट कर सकते हैं, दोनों अमाउंट को हम लोग अलग अलग दिखा सकते हैं कि हाँ ये फैक्ट्री का, ये प्लांट का है, तो समझ जाना फैक्ट्री वाले को या बिल्डिंग वाले को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डालना है और अदर वाले को बिजनेस या अदर सोर्स में डालना है। लेकिन दोनों ही इन सेपरेट है, कम आप उन बाइफकेट नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट बिल्डिंग का और कितना अमाउंट अदर एसेट का है। तो याद रखना, उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में डालना है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालना है, दोनों में से किसी एक में। आया समझ में? यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया कॉम्पोजिट रेंट। अब हम लोग देखेंगे फॉरेन प्रॉपर्टी, मतलब आपका प्रॉपर्टी बाहर सिचुएटेड है, इंडिया के बाहर सिचुएटेड है। तो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो वहाँ से रेंट मिलेगा। अब रेंट मिलेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है? तो ये मैंने आपको स्कोप ऑफ टोटल इनकम का जब क्वेश्चन किए थे तो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी फॉरेन इनकम अगर आपको मिलता है, कोई भी फॉरेन इनकम अगर आपको मिलता है तो वो फॉरेन इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुआ तब तीनों को टैक्सेबल है। तीन टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, एक होता है आरओआर, एक होता है आरएनओआर और एक होता है एनआर। एक होता है आरओआर, एक होता है आरएनओआर, एक होता है एनआर। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया तो फॉरेन है, फॉरेन है मतलब फॉरेन का इनकम है, तो फॉरेन का इनकम एक ही को टैक्सेबल होता है, आरओआर। याद आता है, फॉरेन का इनकम एक ही को टैक्सेबल होता है, दैट इज आरओआर। आरएनओआर, एनआर को तो होता ही नहीं है, नॉन रेसिडेंट को होता ही नहीं है। आरएनओआर को तभी होता है इफ इट इज कंट्रोल, मैनेज, सेटअप, ऑपरेट फ्रॉम इंडिया। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐसा तो नहीं कि ऑपरेट होगा, तो मतलब एनआर को भी नहीं आएगा और आरएनओआर को भी नहीं आएगा। लेकिन द मोमेंट यू रिसीव दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इन इंडिया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब बाहर का कोई भी इनकम अगर आपने इंडिया में रिसीव्ड किया, क्या किया? रिसीव्ड किया, इंडिया में रिसीव्ड किया, तो तीनों को टैक्सेबल आएगा। लेकिन बाहर का इनकम बाहर ही है तो सिर्फ आरओआर को आएगा, आरएनओआर एनआर को नहीं आएगा। आए समझ में? देखो ये लिखा, फॉर आरओआर वेदर यू रिसीव्ड द सेम इन इंडिया और नॉट, चाहे आपको मिला है नहीं मिला है, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। आरओआर के लिए ऐसा होता है, चाहे वो मिले या ना मिले, अगर बाहर इनकम हो रहा है तो टैक्सेबल है। और आरएनओआर और एनआर के लिए क्या है? इट इज टैक्सेबल ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड इन इंडिया। ये टैक्सेबल तभी होगा जब वो इंडिया में एक्चुअली रिसीव्ड होगा। आया समझ में? तो फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल होता है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी फॉरेन इनकम है, इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा। आरओआर के लिए तो टैक्सेबल होगा चाहे इंडिया में रिसीव्ड हो या ना हो, लेकिन आरएनओआर और एनआर के लिए तभी टैक्सेबल है जब वो एक्चुअली रिसीव्ड इन इंडिया है। अंडरस्टूड? तो दिस इज द फॉरेन प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ना, तो मैंने सेकेंड वीडियो में आपको देखो फॉर्मेट बताया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पूरा फॉर्मेट है, उसके अंदर आपको याद रखना है इन टोटल तीन एक्सपेंस माइनस करने, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन टोटल तीन एक्सपेंस, पहला प्रॉपर्टी टैक्स जिसको म्यूनसिपल टैक्स भी बोलते हैं, फिर 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये तीन एक्सपेंस ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में माइनस होते हैं। अंडरस्टूड? तो जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो ये तीनों ऑप्शन इस फॉरेन प्रॉपर्टी के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसमें दिया है देखो, प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड म्यूनसिपल टैक्स, सॉरी प्रॉपर्टी टैक्स और म्यूनसिपल टैक्स और इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया इज डिडक्टेबल, डिडक्टेबल है, माइनस कर सकते हो फ्रॉम जीएवी। बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया इज नॉट अलाउड इफ, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मतलब बाहर से पैसा बोरो किया था
और उसको इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, तो इंडिया में तभी माइनस करने को मिलेगा अगर उसके ऊपर टैक्स नॉट, मतलब तभी मिलेगा जब उसके ऊपर टैक्स पेड हुआ होगा या डिडक्ट हुआ होगा, मतलब टीडीएस माइनस करके ही पेमेंट करने का अगर इंडिया के बाहर आप पेमेंट कर रहे हो तो, अदर एक्सपेंस ऑल्सो। तो अगर आप किसी अमाउंट को इंडिया के बाहर पे कर रहे हो तो इंडिया में पहले टैक्स काटो उसके ऊपर। अगर इंडिया के बाहर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, एक्सपेंस पे कर रहे हो, तो इंडिया में पहले उसके ऊपर टैक्स काटो, तभी वो एज ए एक्सपेंस आपको अपने बिजनेस में या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में माइनस करने को मिलेगा। दूसरा, देयर इज़ नो एजेंट इन इंडिया, मतलब अगर उसका कोई एजेंट भी इंडिया में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो दैट इज़ नॉट अलाउड। तो ये दो कंडीशन अपने को याद रखनी है। तो दैट इज़ फॉरेन इनकम। तो फॉरेन प्रॉपर्टी पे जो इनकम मिलता है वो इंडिया में टैक्सेबल है, लेकिन बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर ROR है तो बाहर इनकम मिल रहा है, इंडिया में रिसीव्ड हो या ना हो टैक्सेबल है। RNR और NR है तो उनके लिए तभी टैक्सेबल है अगर वो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है तो। आया समझ में? अंडरस्टूड? तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्पोजिट रेंट एंड फॉरेन प्रॉपर्टी सिचुएटेड, प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, उसकी टैक्सेबिलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।